वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, उसकी थ्योरम नंबर 1 सॉरी थ्योरम नंबर 2.4 2.5 एंड 2.6 कर ली थी। उसके बाद अपन ने क्वेश्चन नंबर टेस्ट भी कर लिया था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ओके, क्वेश्चन नंबर टेस्ट मैंने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर टेस्ट मैंने कर लिया था, नहीं करवा था फर्स्ट क्वेश्चन, करवा दिया था उसको लास्ट में समझाया नहीं था, तो एक बार उस क्वेश्चन को वापस से कर लेते हैं अपन, ठीक है? 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टेस्ट में दोबारा से बता रहा हूं कि मैंने समझाया नहीं था, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगी करवाने में उसको। 2.3 की बात करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर टेस्ट की बात करते हैं, क्या बोल रहा है वो? ऐसे बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, यही क्वेश्चन है। ओके, देखिए जब भी अपरिमेय क्वेश्चन, अपरिमेय का क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो अपन उल्टा मान के चलते हैं कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा है, अपन क्या मान के चलेंगे, उल्टा मान के चलेंगे कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। जब उल्टा मान के चलेंगे उससे अपना आंसर उल्टा आ जाएगा, वो कैसे आएगा, विरोधाभास से। किससे आता है? विरोधाभास से आता है। ओके ओके, चलो चलते हैं आगे। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है जी। जब परिमेय संख्या होती है उसको कौन से रूप में लिख सकते हैं, a/2 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे क्या होगा बच्चों, अरे जहां पे q≠0 तथा p/q क्या होते हैं, तथा p/q सहअभाज्य, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं है या पूर्णांक है, मैंने आपको ये बताया था इसमें इसमें और इसमें तीनों में, देखिए पहले आपको सिद्ध करने के लिए मैं मान क्या रहा हूँ, परिमेय, यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें एक ऐसी संख्या जो अपरिमेय को बताती है, कौन सी वाली बताएगी, ये √3 क्या होती है, अपरिमेय होती है, अरे इसको पकड़ो और उधर फेंको, क्यों, क्योंकि ये किसका है, माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 p/q को उधर छूगा तो p/q माइनस का हो जाएगा, √3 प्लस का हो जाएगा, अब क्या करूंगा, क्यू लग कर लूंगा, 5q माइनस का क्या हो जाएगा, p/√3 हो जाएगा, अरे इसको इधर कर दो ना, कितना हो जाएगा, क्या मेरी बात को समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, √3 बराबर क्या आ गया, 5q माइनस का p/q आ गया है। अब देखो मैंने आपको कल बताया था p/q क्या है, पूर्णांक संख्या है क्या, जैसे मान लो p का मान 2 लिख दिया, q का मान 1, पूर्णांक कोई से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, p की वैल्यू मैंने 2 लिखी, q की वैल्यू मैंने 1 लिखी, तो देखो यहाँ से p का मान अगर मैं 2 लिखूंगा, q का मान 2 का, तो 5 × 1 - √3 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, 1 आएगा, क्या p/q के रूप में जो संख्या होती है और क्या होती है, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या होती है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, यानी कि p/q क्या है, आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं, जब वो पूर्णांक संख्याएं हैं तो वो क्या हो, p/q का मान रखने के बाद ये वाली संख्या कौन सी संख्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है, क्या मेरी बात को समझ रहे हो, जब ये परिमेय होगी पक्का पक्का ये भी क्या होगी, परिमेय होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर एज वी नो दैट हम जानते हैं √3 परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है, क्या होती है, अपरिमेय होती है, तुम्हें क्या बोलूंगा, इसमें देखो
चूंकि p तथा p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए 5q - p/2 एक क्या होगी? परिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्या। अरे होगी कि नहीं होगी? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, तो आप मेरे को ऐसे बताओ, जब ये परिमेय अनुपूर्ति में क्या होगी? परिमेय। इसलिए √3 एक जमा कराएंगे, कोई बात नहीं, अपने पास तो बहुत स्पेस है, आपके यहाँ लिखेंगे, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 5q - p/2 ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी? परिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु दिखावा क्या आपको लिखा है? परंतु मैंने क्या लिखाया था? लेकिन ऐसे लिखना है, लेकिन हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या लिखाया था? √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। क्या है? विरोधाभासी है, ठीक है जी। इसलिए अपनी परिकल्पना गलत है, परिकल्पना गलत है, अतः क्या बोलेंगे? गलत है तो अतः 5 - √3 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो एक बार दोबारा से, ये बात समझ में आ गई, परिमेय संख्या होती है, इसलिए √3 भी क्या होगी? परिमेय, ये भी परिमेय। लेकिन हम जानते हैं √3 एक परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। क्यों? क्योंकि अपन लोग परिमेय बोल रहे हैं, लेकिन होती क्या है? अपरिमेय। यानी कि ये जो परिणाम है ये क्या है? विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब इसको उल्टा कर रहा है, परिमेय नहीं कर रहा है, परिमेय कर रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? अपरिमेय होना चाहिए। यह परिणाम विरोधाभासी है, इसलिए परिकल्पना क्या है? गलत है। जो आपने माना था वो गलत हो गई, इसलिए क्या होगा? ये परिमेय नहीं, क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ में आ गया होगा? यस और नो में कमेंट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और जो मैं बोल रहा हूं उस क्वेश्चन को देखो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उस पे फोकस करते हैं।
अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी सब कुछ सिद्ध करना है, तो क्या आना चाहिए अप्रिय संख्या। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे का पहले दूसरा बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा कि बता रहा हूं मैं कि मेरे को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा का ऐसा ही पूरा का पूरा हो जाएगा मेरे लिए आसान का। ठीक है अब देखो घर पे नोट कर सकता है जाता कि वीडियो घर पे है घर पे नोट लेगा वहां से यहाँ समझो। देखिए दूसरे का दूसरा क्यों करवा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल डिटो ऐसा का ऐसा है। 6 प्लस रूट 2 लिख देता हूं यहां पे 6 प्लस रूट 2 6 प्लस रूट 2। अरे बोलो कुछ भी नहीं करना, क्या नहीं करना, इतना सा चेंज होगा, इतना सा इतना सा। अरे अब की बार रूट 2 पॉजिटिव है, उधर ले जाने की जरूरत है नहीं है, उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर कहाँ रखें, यहीं रहने दो, कहाँ रहने दो, यहीं रहने दो, उधर भेज दो, किसको 6 को भेज दो, कितना का रूट आएगा बोलो तो सही हो, क्यों आएगा बी माइनस 6। क्या बोलेंगे, जो कि प्रीतता क्यों क्या है वो नाम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये संख्या क्या आ जाएगी परिमेय आ जाएगी, जब ये परिमेय पक्का पक्का ये भी क्या होगी परिमेय। लेकिन हम जानते हैं रूट को एक परिमेय संख्या होती है, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है, इसलिए परिकल्पना गलत है। गलत है तो सही क्या कर दे, 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो लिखो तो लिखो तो रफ कॉपी में कैसे लिखो, लिखना चाहते हो कैसे लिखो, थोड़ा बहुत ही लिख सकते हो कुछ तो। अब देखो ये दूसरे का दूसरा हो गया है, दूसरे का दूसरा हो गया है। ठीक है अब एक बार सब लोग सामने देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन बताओ कौन सा है, निकालो जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 2 निकालो, एग्जाम्पल नंबर 2 निकालो। अरे आप कॉपी में कर सकते हो क्वेश्चन बाद में एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं तरीका बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3 प्लस 2 रूट 5, कोई बात नहीं 3 आ जाएगा 2 रूट 5 आ जाएगा, ये तो कुछ है, ये है क्या यहाँ पे भी एग्जाम्पल नंबर कौन सा, ये दूसरा वाला। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इसमें कौन सा वाला है, ये वाला है ना, ये वाला बीच वाला, इसको तो यही रहने दो, और इस भाई साहब को उधर भेज दो, भाई साहब को उधर भेजोगे क्या आएगा, p माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन ना उधर ले लिया मैंने। अब गुणे की चीज कहां जाती है, भाग में जाती है, बताओ कितने का भाग लगाऊंगा, कितने का लगाऊंगा, 2 का भाग लगाऊंगा। अरे भाई वाह, पीतता क्यों क्या है, पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, परिमेय होगी, इसलिए रूट 5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं ये क्या होता है अपरिमेय संख्या, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है, इसलिए परिकल्पना गलत है, इसलिए गलत है तो सही कर दो, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आया कि नहीं आया मजा, आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, फिर अपन आगे चलते हैं।
मेरा काम जरूर जरूर कर सकते हो ना। बहुत जरूरी है कॉपी में काम करना, जितना ज्यादा कॉपी में काम करके रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या सबको? ओके अब आ जाओ, जो जो बच गए उनको टका लेते हैं। ओके टकाओ देखे, अब दूसरे का पहला देखो, दूसरे का पहला तो बाद में लेंगे, ठीक है। दूसरे का तीसरा देखो कि दूसरे का पहला पता चलेगा, वो तो अपने पढ़ने पड़े थे दो और चार उस तरीके का। अब क्वेश्चन नंबर आपको जो दूसरा है एग्जाम्पल क्या करते हैं, अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहला देखो आप, कौन सा एग्जाम्पल पहला आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, ये बोर्ड के पेपर में आया, 2019 वाले पेपर में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर पहला करवा रहा हूँ, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। दो नंबर का प्रश्न 7 × 5 है, क्या सही बोल रहा हूँ क्या? कोई बात नहीं, यहाँ क्या लिखो 7 × 5 कर दो। ओके यहाँ क्या कर दो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना तो किसको भेजें? एक बोलो तो सर यू मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है, मतलब क्या हो गया 7 को भेजेंगे। ऐसे मत कर देना सर, लो सर भेज दिया सर, लो ये हो गया सर। तो बेटा गर्मी के दिन में इस सर्दियों में भी आप बाजरा बोलो, ऐसा नहीं है, वो तो बरसात के दिनों में बोया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 7 गुणे की चीज बाद में जाती, ना कि पक्षांतर कर सकते, पक्षांतर नहीं कर सकते, बाद में जाएगी। अब बताओ पीतता क्यों क्या है, पूर्णांक है। जब पीतता क्यों पूर्णांक है तो पूरी संख्या क्या आएगी, सबको पता है क्या आएगी, अरे क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। जब ये परिमेय होगी तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। जब परिमेय होगी हम जानते हैं कि रूट पांच क्या होता है, परिमेय, परिणाम विरोधाभासी हो गया, इसलिए परिकल्पना गलत हो गई। जब परिकल्पना गलत तो सही क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, आया कि नहीं आया, मजा आ गया, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन में परिमेय घटक है लेकिन मानती क्या है, परिमेय मानती है, ठीक है। अब आ जाओ कौन सा वाला एग्जाम्पल, एक और बच गया है तीसरा वाला, बताओ क्या है, रूट पांच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, हम एक दिन सब कुछ सही कर देंगे सर, आप चिंता मत करो सर, ये हो गया। अब इसमें दोनों ही क्या है, अपरिमेय है, दोनों ही क्या है, अपरिमेय है, तो फिर अपन किसको भेजे उधर, अपने किसको भेजे, किसी को भी भेज सकते हैं, रूट दो को भी उधर भेज सकते हैं, रूट पांच को भी उधर भेज सकते हैं। भूख वाले में क्या कर रखा है, छोटे वाले को भेज रखा, किसको, छोटे वाले को रूट टू को उधर भेजेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन देखना सर, भेजने से क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सर ये भी रूट पे है, ये भी रूट, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, अब दोनों का क्या कर दूंगा, मैं वर्ग करूंगा, क्या करूंगा, वर्ग करूंगा, तो p बटा q माइनस √2 का वर्ग आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अब देखो ऐसा करने से सर फायदा क्या हुआ, रूट पांच का वर्ग पांच होता है क्या, a माइनस b का वर्ग इस पर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab + √2 का स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
अब देखो यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं अपन, अरे बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, माइनस दो पी बटा क्यू। अरे नहीं 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 नहीं, दो को रूट दो से गुणा करो, दो रूट दो और साथ में कौन रहेगा? पी बटा क्यू, रूट दो का वर्ग हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि इस पूरी लाइन के अंदर कौन सी संख्या रूट वाली है, ये वाली सर रूट वाली। अरे जब ये वाली रूट वाली है तो आप चिंता क्यों करते हो, अपन इसको तो उठा के इधर रखेंगे और इस पांच को उधर लेके जाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा देखो, मैं इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद में तुम्हें यहाँ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा देखो। इस पूरे को मैं उधर लेके जाता हूँ तो क्या आएगा, दो रूट दो पी बटा क्यू प्लस में हो गया और ये अपनी जगह है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस का दो माइनस का पांच, एक पांच को ले जाएगा तो माइनस का ही तो होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो रूट दो पी बटा क्यू बराबर कितना लघु कम ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं ले सकते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा, दो में से पांच गया तो माइनस का तीन, लेकिन लघुतम क्या गया है क्यू स्क्वायर, तो माइनस तीन किससे गुणा होगा क्यू स्क्वायर से, ये सबके समझ में आ गया होगा। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये वाली बात समझ में आ गई क्या, अरे आ गई ना, आ गई, ओके बहुत होशियार हो आप लोग, मानना पड़ेगा। इस रूट दो को यही रहने दो, क्यू को तो फिर नीचे वाली चीज को ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो बच्चों इसके बाद में क्या बता रहा हूँ वो देखना, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ रूट दो बराबर पी स्क्वायर माइनस तीन क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा, क्यू तो चला जाएगा ऊपर और दो भी आ जाएगा नीचे, ऊपर वाली चीज नीचे आएगी, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, क्यू से क्यू बटा का हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, यहाँ सोल्व करके यही घूमे आगे, बताओ क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस तीन क्यू स्क्वायर बटा दो पी क्यू आएगा, एक क्यू से एक क्यू बट गया तो क्यू बच गया और एक पी बच गया, यानी कि क्यू से क्यू दो पी क्यू नीचे बच गया। मेरी बात को समझ रहे सभी स्टूडेंट्स, अब क्या बोलेंगे, अब सर वही बोलेंगे जो बोलते आ रहे हैं, क्योंकि पी तथा क्यू क्या है, गुणांक में है, अरे जब गुणांक है तो क्या बोलेंगे, इसलिए कौन सी वाली चीज पूरी की पूरी येलो, दो पी क्यू क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या, इसलिए रूट दो भी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं रूट दो क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है, इसलिए परिकल्पना गलत है, जब गलत है तो सही कर दो। एग्री फॉर डिस्कशन, एक बार यस और नो में कमेंट कर दो कि सर पूरी चीज क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हमारे। ओके वेरी गुड, बहुत होशियार हो आप, मानना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। ओके ओके बात बढ़िया, एग्जाम्पल सारे हो गए, थ्योरम सारी हो गई, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे का दूसरा हो गया और कोई सा ही नहीं हुआ, अब तीन क्वेश्चन बच गए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये भी करवा रहे हैं अपन। अब देखो अब कौन सा करवाए,
दूसरे का तीसरा देखो क्या है, हाँ देखिए बेटा मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे को बोर्ड पे ज्यादा नहीं लिखना पड़ रहा, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा पैरा जंबल्स कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर जो मेरा दूसरा है उसका तीसरा क्या है, अरे ये तो कौन सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा ये क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अभी किया देखे, अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, बोलो तो सर यू। एग्जाम्पल नंबर पहला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके बिल्कुल समझ में आ गया, पूरा का काम पूरा कोई करना है, लो सर ये तो फालतू की चीजें है, हम फालतू की चीजें नहीं लिखते हैं सर, ओके मछली को तो मछली को तो मछली को तीन रूट दो हो जाएगा, यहाँ से रूट दो बराबर क्या आ जाएगा, पी बटा तीन क्यू हो जाएगा, इसको कर दो गाइड, ये तो अलग चीजें हैं, ये भी अलग चीजें हैं और ये भी अलग चीज, और कुछ अलग नहीं है, और तो वही है जो अपन करते आ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये लो इस लाइन को भी अच्छा नहीं कर रहा, ये लो ओके। P और Q क्या है, पूर्णांक है, जब पूर्णांक है क्या हो जाएगा, P बटा P इनटू क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी, अरे कुछ करना ही नहीं है, सारा का सारा हो गया क्योंकि रूट दो ही आ रहा है, लास्ट में क्या कर देंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब तो किसी ने बचा क्या है, इतने सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है, आया कि नहीं आया मजा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पता चलेगा जब कॉपी में काम करोगे तो, हाँ वेरी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी अब आ जाओ कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन आता हूँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखो, प्रश्न नंबर तीन है, रूट पी प्लस रूट क्यू, रूट पी प्लस रूट क्यू एक प्रॉब्लम हो गई, पी पहले से आ गया क्यू पहले से आ गया, अब की बार पी बटा क्यू नहीं मान सकते, अब की बार क्या मानना पड़ेगा, तो दूसरा मान लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ए और बी मान लो, क्यों नहीं माना, क्योंकि सर पहले से पढ़ा था, जब पहले से कोई चीज पढ़ी है उसको क्या मानना, तो गलत हो जाएगा, बी बराबर नॉट इक्वल टू जीरो और ए और बी क्या हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अरे ये क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है बताओ, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है ये, किस तरीके का क्वेश्चन है ये, किस तरीके का क्वेश्चन है बताओ रे, बताओ जल्दी बताओ रे, एग्जांपल तीन जैसा है, कोई बात नहीं वही कैलकुलेशन करेंगे अपन, एग्जांपल के लिए अपन किसको भी भेज सकते हैं, पी को भी भेज सकते हैं, क्यू को भी भेज सकते हैं, उधर कोई बात नहीं, जैसे मान लो मैंने क्यू को तो यहीं रख दिया, तो किसको भेज दिया, पी को भेज दिया, वहां पे क्या किया था, वर्ग किया था, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, अरे जगह ए अपॉन बी है, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर अब जैसे तो रिजल्ट पहले से आप ऐसे लिखो, फिर सर आप इसको हटाओ और सर फिर आप इसके लगाओ, बेटा डायरेक्ट ही लगा देना, उल्टी को दिया दिया आपको, अब देखो यहाँ पे टू ए की जगह ए अपॉन बी, साथ में रूट भी आया,
a स्क्वायर माइनस टू a, a की जगह पूरा पूरा a प्लस रूट पी का स्क्वायर, बताओ रूट पी का स्क्वायर पी हो जाएगा क्या? a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला खोला है सबके समझ में आ गया? आ गया किस आ गया? अब आ जाओ, अरे किसमें रूट पड़ा है? इसमें रूट पड़ा है, उसको उठाओ इधर, पकड़ो पकड़ो ले पकड़ो, ए अपॉन बी रूट पी हो गया है। अब जो बच गए हैं उनको इधर लगा दो, टू को उधर पकड़ लो, पकड़ लो पकड़ लो, पटक सकते हैं सर, क्यों नहीं पटक सकते? अब कहाँ लिखे अपन? यहाँ पे एक बार बी स्क्वायर में एलसीएम ले सकता हूँ, ले लो सर, तो बी की बनी कोई बात नहीं। यहाँ लिखे अपने कौन सी प्रॉब्लम लिख लो, यहाँ लिखे कहते हैं ठीक है, चीन पे कब्जा कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपन, वो भी तो कब्जा कर रही है चीन, अपन कब्जा कर लिया है यहाँ पे। लिख लो यहाँ पे इस रूट पी, देखो एक बार ऐसे रूट ए बटा बी और रूट पी बराबर बी स्क्वायर पर लागू कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, और नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आएगी, तो क्या आएगा? रूट पी बराबर ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू b, ऊपर चला जाएगा तो a नीचे आ जाएगा, a b से a b कट जाएगा, और कटने के बाद बच्चों में यहाँ लिख देता हूँ, लिखना चाहिए बस आपको, और वो क्या आएगा? रूट b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू b स्क्वायर अपॉन टू a b बचेगा। अब यहाँ पे ये चीजें नहीं आएगी, ये नहीं आएगा ठीक है, ये नहीं आएगा। देखो अपन ने ए और बी को माना था, ए और बी माना था ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए तथा बी, हमेशा क्या लिखते हैं? पी तथा क्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या आएगा? ए तथा बी, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बटे 2ab, एक परिमेय संख्या है, इसलिए अरे क्या होगा? रूट पी भी क्या होगी? परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं रूट पी एक है, परिमेय संख्या होती है, यह परिणाम विरोधाभासी है, यह परिभाषा गलत है, तो जो सही है उसको भी गुणा रूट पी प्लस का रूट। सभी के समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, एक बार यस और नो में कमेंट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट। हाँ अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बच गया तीसरे का पहला, लेकिन वो इजी, सबसे इजी है, 2.4 पर में, 2.5 पर में, 2.6 पर में, आपने देखो उस तरीके से किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं कल करवाऊंगा उसको, वो मैंने क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो मैंने पर में करवाई थी उनकी लैंग्वेज अलग लिखवाई थी, ए स्क्वायर दो से बाजे है, पी स्क्वायर दो से बाजे है, पी दो से बाजे है, क्यू स्क्वायर दो से बाजे, वो अलग लिखाया था मैंने उसमें लैंग्वेज, लेकिन इन क्वेश्चनों में एक ही लैंग्वेज है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कॉपी में आप अपने हिसाब से सीरियल वाइज भी लिख सकते हो, आज क्या मैंने थोड़े वैसे ऊपर नीचे क्वेश्चन करवाए हैं, और आप जिस तरीके से मैंने करवाए हैं उस तरीके से भी कॉपी में कर सकते हो, क्योंकि जब आप कॉपी उठा के देखोगे दोबारा जब सोल्व करोगे तो आपके ऐसे की जैसे जैसे मैं डायलॉग बोल रहा हूँ वैसे की वैसे आपको डायलॉग से ही याद हो जाएगी चीजें। यस और नो, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपका टेस्ट पता ही है संडे को होगा, मैं टाइम टेबल आज बता दूंगा क्या टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा, ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अभी 5 मिनट बाद में, ग्रुप में देख लेना कब टेस्ट होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, कौन सा चैप्टर आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके ओके।